पुलिस ने 24 घंटे के अंदर चर्चित विराज हत्याकांड का खुलासा करते हुए 5 लोगों को धर दबोचा। दरअसल 31 मार्च 2021 से मृतक लापता था, जिसके बाद मृतक के जीजा दीपक कुजूर ने रायडी थाना में मामला दर्ज कराया, जिसके बाद एक्शन लेते हुए अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी चैनपुर के नेतृत्व में एक टीम का गठन किया गया, जहां टीम ने 24 घंटे के भीतर छापेमारी कर हत्याकांड में शामिल 5 अपराधियों को धर दबोचा। वहीं इसमें शामिल एक अन्य अपराधी अब भी फरार है, जिसके लिए पुलिस छापेमारी कर रही है। आपको बता दें, एसपी हरदीप पी जनार्दन ने मीडिया के जरिए इसकी जानकारी दी है। एसपी के मुताबिक अवैध प्रेम प्रसंग में इस घटना को अंजाम दिया गया। इसको रायडी थाना में दीपक कुजूर नाम के एक व्यक्ति आके एक आवेदन दिया कि इनका साला जो विराज एक्का है वो 31/3/2021 से मिसिंग है, और इनका द्वारा ही बताया कि हर जगह ढूंढ लिया इसको लेकिन कहीं ये मिल नहीं रहा है। तो इसके बाद ये थाना में एक आवेदन दिया कि इनके साला को बतबेल लकड़ा करके एक लड़का ने मारपीट किया है, मारपीट करके इसको मार दिया है, मार के बॉडी को दफना दिया है कहीं पे। तो इस केस का खुलासा के लिए एसडीपीओ चैनपुर के नेतृत्व में एक टीम का गठन किया। टीम के द्वारा त्वरित कार्रवाई करते हुए 24 घंटा के भीतर ही डेड बॉडी को रिकवर भी किया और इस केस में इन्वॉल्व 5 आदमी। मुंगेर के धरहरा में संदिग्ध अवस्था में एक अधेड़ का शव मिलने से इलाके में सनसनी मच गई। मृतक पुरुषोत्तम सिंह मोहनपुर गांव का रहने वाला था। परिजनों ने हत्या की आशंका जताते हुए गांव के ही नीरज सिंह नामक एक शख्स पर हत्या का आरोप लगाया है। बताया जा रहा है कि शख्स पहले से ही उस पर कई मामले दर्ज हैं। वहीं अपने ऊपर लगे आरोप को नीरज सिंह ने गलत बताते हुए कहा कि किसी ट्रैक्टर ने मृतक को धक्का मार दिया, जिसके कारण उसकी मौत हो गई। कल के डेट में पापा जी को बुला के गए नीरज सिंह थ्रेसर के काम के लिए। नीरज सिंह के पिता का नाम करमबीर सिंह है। तो नीरज सिंह थ्रेसर के काम के लिए बुला के लेके गए कल शाम में, और उसके बाद पापा जी घर नहीं आए। और उसके बाद जो है ना, आज सुबह में लगभग 5 बजे सुबह हमें पता चला कि पापा जी का शव वहां पे पड़ा हुआ है खोफा में, बहियार में। नालंदा जिले में बच्चों के भविष्य के साथ खिलवाड़ किया जा रहा है। ताजा मामला जिले के विद्यालय का है, जहां प्रभारी प्रधानाध्यापक द्वारा 8वीं के बच्चों से जबरन टीसी देने के एवज में प्रति विद्यार्थी 200 से 300 रुपए बतौर घूस लिया जा रहा है, जिससे अभिभावक में खासा आक्रोश देखने को मिल रहा है। अभिभावकों ने विद्यालय परिसर में जमकर बवाल काटा और स्कूल में तालाबंदी कर चेतावनी भी दी है। ग्रामीण हमारे यहाँ गए कि मुखिया जी ऐसा ऐसा कांड हुआ है, बेतमीजी बोलते हैं, गाली गलौज करते हैं, जे चल गया स्कूल। हम कि क्या हुआ स्कूल में, तब गल्ला नहीं दिए, गल्ला तो सब सेल कर दिए। तो हम सवेरे 9 बजे हम उपस्थित हुए हैं। ग्रामीण सब तो बोल रहे हैं कि हम ताला लॉक करेंगे, उचित कार्रवाई नहीं किया जाएगा। जमुई जिले में इन दिनों कोरोना का कहर लगातार बढ़ता जा रहा है। बीते 24 घंटे में कुल 32 नए पॉजिटिव मरीजों की पुष्टि हुई, जिसमें झाझा के कुल 10 लोग शामिल हैं। संक्रमित मरीजों में इजाफा होने के बाद प्रशासन भी सख्ती से मास्क चेकिंग अभियान चला रही है। जिले में कोरोना का संक्रमण तेजी से बढ़ रहा है, वहीं लोगों की लापरवाही और बढ़ गई है। बाजारों में लोग बिना मास्क के घूम रहे हैं, जबकि तय दूरी का ध्यान नहीं रखा जा रहा है। जिला प्रशासन की सख्ती के बाद भी कोविड नियमों का पालन भी नहीं किया जा रहा है, इससे जिले में संक्रमण का खतरा और भी बढ़ गया है। तो वहीं दूसरी ओर जिलाधिकारी अवनीश सिंह ने एक वीडियो क्लिप जारी कर लोगों को जागरूक भी किया है। सर्वप्रथम तो मैं आप लोगों से यह कहना चाहता हूं कि घबराने की कोई आवश्यकता नहीं है। कोविड-19 के एक्टिव केसेस के मामले में जिन 5 जिलों में सबसे कम केस आए हैं संपूर्ण बिहार राज्य में, उसमें हमारा जिला है, और हमसे कम केसेज वाले जिले अधिकांश वही हैं जो बहुत जनसंख्या की दृष्टि से छोटे जिले हैं। कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग में भी हम देखें तो मात्र 26 केस ही पॉजिटिव आए हैं अपने जिले में, जो कि बहुत बड़ी संख्या नहीं है। इसलिए हम यह नहीं कह सकते हैं कि बहुत अधिक तेजी से प्रसार हो गया जिले में, परंतु हम लोगों को बहुत अधिक। सरायकेला खरसावा जिले के छोटा चुनचुड़िया गाँव में एक कलयुगी भाई और भाभी ने मिलकर अपने ही सगे भाई और बाप को पीटकर बुरी तरह से घायल कर दिया, जिसके बाद ग्रामीणों ने बीच बचाव कर घायलों को निजी होम में भर्ती कराया, जहां चिकित्सकों ने उन्हें TMH जमशेदपुर रेफर कर दिया है, जहां उनकी स्थिति गंभीर बताई जा रही। तो वहीं ग्रामीणों ने बताया कि रविंद्र महतो और उसकी पत्नी सरला महतो अपने पिता को किसी बात को लेकर पीट रहे थे, तभी बीच बचाव में
छोटे भाई राजन महतो को भी लाठी डंडों से पीटा गया और इसे गंभीर रूप से जख्मी भी कर दिया गया है। आरजेडी सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव के बड़े लाल यानी तेज प्रताप यादव का शुक्रवार को जन्मदिन है। तेज प्रताप आज 33 साल के हो गए हैं। कोरोना के बढ़ते मामलों को देखते हुए उन्होंने अपने सरकारी आवास पर रात में केक काटकर अपना जन्मदिन मनाया। इसके साथ ही सोशल मीडिया पर तेज प्रताप को जन्मदिन की बधाई देने वालों का तांता लगा है। आपको बता दें कि पिछले साल जन्मदिन के मौके पर तेज प्रताप यादव ने लॉकडाउन से प्रभावित लोगों को खाना खिलाने की पहल की थी। उन्होंने लालू की रसोई नाम से इस पहल की शुरुआत भी की थी।